मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप? मेरे किचन में आपका तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू के लड्डू। ये लड्डू हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं, तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें जो नाप लेनी है वो इस तरह की कटोरी से ले सकते हैं या फिर इस तरह का कप भी आप ले सकते हैं। अब आप 1.5 कप सत्तू ले लीजिए, एक पैन गरम कर लीजिए, फिर इसमें सत्तू डाल दीजिए। इसके बाद सत्तू भून लीजिए, गैस की आंच धीमी रखिएगा। सत्तू पहले से ही भुना होता है, इसलिए इसे भूनने में बहुत कम टाइम लगेगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। अब आप एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, इसे सत्तू में डाल दीजिए। हल्दी डालने से लड्डू का कलर भी खूबसूरत होगा और हमारी स्किन भी खूबसूरत हो जाएगी। अब आप एक छोटा चम्मच सौंफ ले लीजिए, इसे भी सत्तू में डाल दीजिए। मैंने सौंफ को मोटा मोटा कूट कर डाला है, आप सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब आप 1/2 कप घी ले लीजिए, इसको भी सत्तू में डाल दीजिए। अगर आप देसी घी डालेंगे तो लड्डू बहुत ही खुशबूदार बनेगा। इसमें से आप थोड़ा घी बचा लीजिए। अब आप 10 से 12 पिस्ते ले लीजिए और इसको बारीक काट लीजिए, इसे भी सत्तू में डाल दीजिए। 10 से 12 बादाम लीजिए, इसे रात भर पानी में भिगोकर इसका छिलका उतार कर इसे भी बारीक काट लीजिए। बादाम को भी सत्तू में डाल दीजिए। 15 से 20 दाने किशमिश लीजिए, इसे भी इसमें डाल दीजिए। 2 छोटे चम्मच नारियल का बुरादा लीजिए या फिर नारियल को कद्दूकश कर लीजिए, इसे भी इसमें डाल दीजिए। सत्तू के साथ सभी मेवे अच्छे से भुन जाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनिए, गैस की आंच धीमी रखिएगा। अब जो थोड़ा घी बचा कर रखा था इसको भी इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। सत्तू का कलर जब इस तरह का हो जाए तो फिर गैस बंद कर दीजिए। अब आप 1 कप खांड लीजिए और इसे भुने हुए सत्तू में मिला दीजिए। ध्यान रखिएगा कि सत्तू जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ही इसमें खांड मिलाइएगा। अगर आपके पास खांड ना हो तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी 1 कप से थोड़ा कम डालिएगा। खांड बहुत हल्का मीठा होता है, इसलिए मैंने इसे 1 कप डाला है। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। लड्डू बनाने के लिए सत्तू का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसके लड्डू बना लीजिए। लड्डू की साइज़ आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इस लड्डू को बनाइए, खुद भी खाइए और अपने अजीज़ों अकारिब को भी खिलाइए। ये मीठी मीठी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की आसान और लजीज रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।